ये देखो मटरू, मैं तुम्हारे लिए सैंडविच लेकर आई हूँ। अरे वाचिट की, तुम मेरे लिए चाचा के हाथों को बना सैंडविच लेकर आई हो? हाँ मटरू, तुम्हें पसंद है ना, इसीलिए पापा ने तुम्हारे लिए खास ये सैंडविच बनाया है। धन्यवाद चुटकी। चुटकी रुको, इसे फेंको मत। क्यों, क्या हुआ मटरू? इसे देखकर मुझे एक आइडिया आया है। कैसा आइडिया? बच्चों, तुम इसका क्या करने वाले हो? क्या बातें हो रही हैं बच्चों? इससे हम बना तो बहुत कुछ सकते हैं, पर मैं सोच रही हूँ एक हाथ वाला पंखा बनाने की। हाथ वाला पंखा, वो कैसे? हाँ चुटकी, मैंने कल ही एक वीडियो में उसे बनाने का तरीका देखा है, आओ मैं तुम्हें भी बताती हूँ। अच्छा, क्या इसे बनाना आसान है? सबसे पहले लेंगे हम ये पन्नी और फिर इसे आगे पीछे करते हुए मोड़ेंगे इस तरह। ठीक है मटरू, अब हम इस पंखे को पहले इस तरह बीच से मोड़ेंगे, फिर बीच वाले हिस्से को इस गोंद की मदद से चिपका देंगे। बन गया पंखा। क्या तुम्हें हवा आ रही है इस पंखे से? मुझे तो आ रही है, और तुम्हें? हाँ, अच्छी हवा आ रही है मटू। बच्चों, क्या तुम्हें पता है, इस पंखे से हम फूल भी बना सकते हैं। क्या सच में मम्मी? वो कैसे रोमांटी? ये तो बहुत ही आसान है बच्चों। लाओ मुझे अपने अपने पंखे दे दो। मेरे पास ये यहाँ एक गोंद है, कैंची है और एक आइसक्रीम की डंडी है। इनसे हम क्या करेंगे मम्मी? अब मैं इनके कोनों को थोड़ा सा काट दूंगी। अब हम फिर से दोनों पन्नियों को लेंगे और उन्हें आपस में इस तरह चिपका देंगे। अब आखिर में बस चिपका देंगे ये डंडी, तो हो गया तुम्हारा फूल तैयार। ये तो बहुत ही अच्छा लगा मम्मी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको भी हमारी ही तरह पंखे के फूल बनाने में बहुत मजा आया होगा। आप दूसरी चीजों का इस्तेमाल करके भी इस फूल को बना सकते हैं। आप फूल बनाने के लिए किसी पुराने कागज या अखबार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको है किस बात का इंतजार? करके पुरानी चीजों को रिसाइकल, बनाओ कुछ नया और मजेदार। बाय बाय दोस्तों, हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।